बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी सीएम योगी ने दी विनम्र श्रद्धांजलि। यूपी में फिर से खुले स्कूल, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। लखनऊ में अंतिम सावन के सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, 22 अगस्त को सावन का माह का हो जाएगा समापन। विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत, यात्रा का समापन 19 अगस्त को होगा। शाहजहांपुर में लो वोल्टेज के चलते किसान परेशान, खेतों की नहीं कर पा रही सिंचाई। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। आज यानी 16 अगस्त 2020 को देश के पूर्व पीएम, भारत के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि है। 16 अगस्त 2018 को उनका देहांत हो गया था। उनकी गिनती देश की सियासत के उन चंद नेताओं में होती है जो कभी दलगत राजनीति के बंधन में नहीं बंधे। उन्हें हमेशा से ही सभी पार्टियों से भरपूर प्यार व स्नेह मिला। देश के तमाम नेता और जनता उनको याद कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेताओं ने पूर्व पीएम की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश में सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु शिवालयों पर जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन श्रद्धालुओं ने आज मेरठ के बाबा औघड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली, जहां तक भक्त भक्ति में लीन होकर पूजा अर्चना करते दिखाई दिए हैं। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है। आपको बता दें कि सावन के अंतिम और चौथे सोमवार में आज शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही शिवालयों में लंबी कतारों में भक्तजन पहुंच चुके थे, जहां पर उन्होंने जलाभिषेक करके महादेव के दर्शन किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने का फैसला कर लिया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ यूपी में 16 अगस्त यानी आज से कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ माध्यमिक स्कूल केवल 5 दिन खुलेंगे। वहीं शनिवार को स्कूल नहीं खोले जाएंगे। पूरे प्रदेश भर के स्कूलों के निरीक्षण के लिए 60 अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है। आज से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। इससे पहले पंजाब में स्कूल खोले गए हैं। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जूनियर बच्चों की क्लास चल रही है। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति भी फिलहाल जरूरी है और स्कूल में 6 फीट की दूरी बनाए रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से स्कूलों को खोल दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों को खोलने की परमिशन जारी कर दी गई है। आज से विद्यालय कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए भौतिक रूप से उपस्थित होने के लिए शासन द्वारा आदेश प्राप्त किए गए हैं, जिसका हम लोग अच्छा से पालन कर रहे हैं। इस आज विद्यालय जो खोले गए हैं, इसमें पूर्णतया कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए हम लोगों को निर्देशित किया गया है और विद्यालय इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल को पालन कर रहा है। जी, आपको बता दें इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के DIB इंटर कॉलेज के पास, जहां पे आपको बता दें आज से कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक बच्चों का पढ़ाने का सारे कॉलेज जो है वो खोल दिए गए थे। हम इस समय मौजूद हैं DIB में। आप देख सकते हैं कि यहां पे कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और यहां पे आप देख सकते हैं सड़कों पे एक एक मीटर पे जो है वो घेरे बना दिए गए हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो घेरे हैं वो एक एक मीटर पे पूरा पूरा नाप के बनाया गया है कि बच्चों को आपस में सटना ना पड़े, एक एक मीटर की दूरी रहे। और यहाँ पे थर्मामीटर से जो है बच्चों का पल्स भी नापा जा रहा है। और जो क्लास है,
जो क्लास है उसमें जो बेंच है उस पे एक बेंच पे लगभग दो बच्चों की पढ़ाई हो रही है, क्योंकि बेंच है बड़ी तो बच्चों को जो है गैपिंग में करके पढ़ाया जा रहा है। और एक बार में 50 बच्चों से ज्यादा क्लास में नहीं आएंगे और ना पढ़ाई होगी। मास्क बहुत जरूरी है, इसके लिए गेट पे नोटिस भी लगा दिया गया है प्रिंसिपल द्वारा। और आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चे ज्यादा से ज्यादा आएंगे, इसकी भी पूरी जो है सुविधाएं की गई हैं। अब देखने की बात ये होगी कि किस तरीके से ज्यादा बच्चे आकर यहाँ पढ़ाई करते हैं और गाइडलाइन का किस तरीके से पालन होता है। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम, प्राइम टीवी न्यूज। तो यूपी में एक बार फिर से स्कूलों को खोले जाने की परमिशन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 16 अगस्त यानी आज के दिन से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस वक्त प्रदेश में 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। कोविड महामारी के चलते इस वक्त प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया गया है, जिसका पालन करते हुए लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजना होगा। आपको बता दें कि इस वक्त जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ऐलान देखने को मिला है, जहां पर 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की क्लासेस को शुरू करने का फैसला ले लिया गया है। काफी लंबे समय से स्कूल बंद चल रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर खासा प्रभाव देखने को मिल रहा था। बहरहाल जिस तरह से इस बार स्कूल एक बार फिर से खोले जा चुके हैं, ऐसे टाइम पर जहां पर तीसरी लहर की आहट देखने को मिल रही है, इस वक्त काफी ज्यादा सतर्कता के साथ स्कूलों को खोला जा रहा है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारी आगरा संवाददाता ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो ममता, जिस तरह से आज काफी समय के बाद कोविड-19 के खतरे के बीच में स्कूलों को खोलने की परमिशन दे दी गई है, तो आगरा में क्या कुछ स्कूलों की स्थिति देखने को मिल रही है? कोविड-19 को लेकर के इतनी बड़ी लंबे समय के बाद आज स्कूलों को खोला जा रहा है। तो वहीं स्कूल प्रशासन की तरफ से काफी कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यहाँ अभी मौजूद है, यहाँ पर ये अशोका द ग्रेट अशोका एक स्कूल है जहाँ पर मौजूद है। यहाँ देखा गया कि बच्चे किस तरह से उचित दूरी बनाकर एक एक क्लास के अंदर 5 से 8 से 10 बच्चों की ही अनुमति थी, और वही उस तरह से पूरी दूरी बनाकर वहां बैठे हुए थे। तो यहाँ और बाकी जिस तरह से जो बच्चे स्कूलों बच्चों के लिए स्कूल प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस की के लिए एक मैसेज कल कर दिया गया था, जिसमें कि बच्चे घर से ही मास्क लगा के आए। अगर जो बच्चे मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं तो स्कूल प्रशासन की तरफ से बच्चों के लिए मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है और सैनिटाइजर की भी पूरी तरह व्यवस्था की गई है। जी जी ममता, जिस तरह से इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप स्कूलों का निरीक्षण कर रही हैं, ऐसे में काफी दिनों के बाद स्कूल एक बार फिर से खोले गए हैं, तो बच्चों में क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है, उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, बच्चों में बहुत ही उत्साह का एक माहौल है, क्योंकि बच्चों से जब बात की गई तो बच्चों का साफ तौर पर कहना था कि जब हम घर पर ऑनलाइन जब क्लास ले रहे थे तो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आती थी, कभी ठीक से पिक्चर नहीं आती थी, ठीक से समझ में नहीं आता था कि जिस कारण हमारी पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। तो वही जब हम आज स्कूल में आए हैं और स्कूल में पहले दिन ही हमें मैम के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया और हमारे समझ में भी आ रहा है, और इसको लेकर के हमें ऑनलाइन क्लास के बजाय हमें ऑफलाइन क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, और आज हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, आज हमें स्कूल के अंदर आने की अनुमति हो गई है, और हम पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए ही हम आज अपने स्कूल में प्रवेश किया है हमने आज। ठीक जी। तो वही ममता, देखा जा रहा है कि अभिभावकों की सहमति इस पूरे मामले पर होनी बेहद जरूरी बताई जा रही है। जब तक अभिभावक सहमति पत्र स्कूलों में जारी नहीं करेंगे, बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में अभिभावकों की तरफ से क्या कुछ रुझान आपको देखने को मिला है, कितने अभिभावक इस पूरे मामले को लेकर सहमत दिखाई दिए हैं? जी बिल्कुल अनुष्का, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अभिभावकों की बात अगर की जाए तो अभिभावक पूरी तरह स्कूल में ऑफलाइन क्लास में ही ज्यादा अपनी ज्यादा सहमति दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है, जिससे कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलवा सके, जिसके तहत कुछ अभिभावकों ने ऑनलाइन क्लास के जरिए अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाया था। जब स्कूल खुल गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा अगर अगर मात्रा देखी जाए, प्रतिशत देखा जाए, तो अभिभावकों का ही इसमें रुझान है कि मतलब जो ऑफलाइन क्लास है उसी के तरफ उनका रुझान है, वही ये चाह रहे हैं अभिभावक कि हमारे बच्चे स्कूल खुलें, और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने अपने बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करके घर से भी भेजा है। जी
तो ममता, जिस तरीके से आज स्कूलों को खोलने की अनुमति तो जारी कर दी गई है, ऐसे में तीसरी लहर की आहट भी पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रही है। बीते दिनों की ही बात करें तो काफी दिनों से जो मामले थे उनमें भी संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल का बच्चों से पालन कराना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। ऐसे में उनके क्या कुछ पुख्ता इंतजाम पिछले बार के कंपेरिजन में इस बार देखने को आपको मिल रहे हैं? जी बिल्कुल अनुष्का, आपको बता दूं कि जिस तरह से कोविड की अगर बात की जाए तो कोविड प्रोटोकॉल का स्कूल प्रशासन की तरह प्रत्येक स्कूल में जगह जगह जाके हमने ग्रांट जीरो से देखा, जगह जगह जाके प्रत्येक स्कूल वालों ने अपने कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह ध्यान रखा है। मास्क की व्यवस्था भी की गई है, सैनिटाइजर पूरे कॉलेज के अंदर सैनिटाइजर कराया गया है और बच्चों के लिए भी हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। और जहां तक बच्चों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ बच्चों के 50% ही बच्चों को अनुमति दी गई है। टर्न बाई टर्न वहाँ बच्चों को 50-50 बच्चे करके वो अपने स्कूल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को कोविड से दूर रखा जाए। जी जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से काफी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं, पिछली बार भी देखने को आया था कि इसी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए थे, बावजूद इसके कई जगहों पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी थी, जिसका परिणाम ये था कि कई स्कूलों में कोरोना विस्फोट देखने को मिला था। ऐसे में इस बार जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जो इस पूरे मामले का निरीक्षण करेंगे कि स्कूलों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। ऐसे में जिला प्रशासन की क्या कुछ पुख्ता इंतजाम इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? स्कूलों पर किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी, किस प्रकार से उनका निरीक्षण किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से कि जिला प्रशासन के लिए जो पुख्ता इंतजाम करने के लिए जो आदेश दिए गए हैं, जिला प्रशासन भी अपने इंतजामों को देखते हुए, अपने कार्य को देखते हुए जगह जगह स्कूलों में जाकर स्कूल प्रशासन की व्यवस्थाओं को देख रहा है और जांच परख रहा है कि किस तरह से किस स्कूल की तरफ से किस तरह के जो प्रोटोकॉल को कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन है उसको किस तरह किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से देखने को मिल रही है, जहां पर आज कोविड संक्रमण के बीच यूपी में एक बार फिर से स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। आज से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूलों को खोल दिया गया है। फिलहाल बच्चों को कोविड नियमों का पालन करना होगा, ऐसे में स्कूल प्रबंधन के लिए भी बड़ा चैलेंज इस वक्त देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ कोविड की तीसरी लहर का खतरा पूरे भारत पर बना हुआ है, ऐसे में स्कूलों का एक बार फिर से खोला जाना एक बड़ी चुनौती स्कूल प्रबंधनों के लिए सामने आ चुकी है। तो आज एक राहत भरी खबर बच्चों के लिए, जहां पर एक बार फिर से बच्चों के स्कूलों को खोल दिया गया है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूलों को खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है। और इसी बीच फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तो फतेहपुर से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां करंट लगने से पति और पत्नी की हुई मौत, हादसा देख लोगों में मचा हड़कंप, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हदगाम थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर करंट लगने से पति और पत्नी की मौत का मामला सामने आया है। वहीं हादसा देखने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी जा चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर हथगाम थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर करंट लगने से एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां करंट की चपेट में आने के बाद दंपति की मौके पर मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा के बाद से पूरे इलाके में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की हुई शुरुआत, यात्रा का समापन 19 अगस्त को किया जाएगा। लखनऊ से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर इस पूरी यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज की जा चुकी हैं, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की आज से शुरुआत की जा चुकी है। ये जन आशीर्वाद यात्रा 19 अगस्त तक जारी रहेगी।
वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अजहर, जिस तरीके से आज विधानसभा की चुनाव तैयारियां इस वक्त बीजेपी ने शुरू कर दी है, जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इसके तहत यूपी में आज से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होने जा रहा है। आपको बता दें बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के लिए सबसे पहले पार्टी के 4 केंद्रीय मंत्री की यात्रा शुरू करेगी, जिसमें जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग स्थानों से शुरू की जाएगी और 20 अगस्त को इन यात्राओं का समापन होगा। इस यात्रा के दौरान यूपी में लगभग 3 दर्जन लोकसभा, 120 से अधिक विधानसभा से गुजरते हुए लोग 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाएगी। जी जी, तो जिस तरीके से आज लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर आज ये यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, ऐसे में जो ये पूरी यात्रा है किन किन रूट से होकर गुजरने वाली है? मंत्री कौशल किशोर यहां से सीधा मोहान होते हुए उन्नाव पहुंचेंगे और वहां पर जो अपने कार्यकर्ताओं से और वहां सभी लोगों से मिलेंगे और अपनी योजनाओं का लाभ उन्हें बताएंगे और अपनी सारी चीजों को बताएंगे और अपनी जमीनी मजबूती तय करेंगे। जी बिल्कुल, लखनऊ से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा चुकी है। लखनऊ से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर इस वक्त यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है, विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की तरफ से शुरुआत की जा चुकी है, जिसका समापन 19 अगस्त को होने वाला है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको जन आशीर्वाद यात्रा की दिखा रहे हैं, जहां पर कौशल किशोर इस पूरी यात्रा की अगुवाई करते हुए नजर आए हैं। और इसी बीच फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां लोगों का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल, जहां जुआ खेलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। जुआ खेल रहे लोग आपस में दाव लगाकर कर रहे हैं बात। लोगों का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहपुर से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ लोग जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुआ खेल रहे लोग आपस में दाव लगाने की बात कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की कोई भी भय इस वक्त लोगों के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। सरेआम लोग जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से फतेहपुर पुलिस की नाकामी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोगों के अंदर इस वक्त पुलिस का भय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। खुलेआम लोग जुआ खेलते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और पूरा मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर गरमाया हुआ है। वहीं उज्जैन से बड़ी खबर, जहां सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं की दिखी भीड़। सुबह से ही श्रद्धालु शिवालयों पर कर रहे हैं जलाभिषेक। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर जल चढ़ाने पहुंचे हैं शिव भक्त। तो बता दें कि आज सावन का आखिरी सोमवार है, जिसके बाद उज्जैन में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए इस वक्त शिव भक्त भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधे उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता इस वक्त शिवालय में देखने को मिल रहा है। महाकालेश्वर मंदिर की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपने ईष्ट का एक दर्शन पाने के लिए वहां पहुंचे हैं। वही अब रुख करते हैं खबरों का। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में स्थित अति प्रसिद्ध प्राचीन बाबा डोबेश्वरनाथ शिवधाम पर पवित्र सावन मास के आखिरी सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं पर शिव भक्तों द्वारा प्रसाद वितरण के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बता दें कि डोमेश्वरनाथ शिवधाम विशाल वट वृक्ष के नीचे खुले आसमान में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग खुद जमीन फाड़ कर प्रकट हुआ है। तब से शिवलिंग वट वृक्ष के नीचे खुले आसमां के नीचे विराजमान है। यहाँ पर महाशिवरात्रि को 2 दिवसीय भव्य मेला लगता है। वहीं प्रत्येक सोमवार को भी भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन सावन मास और मल मास में भक्तों की भारी भीड़ दूर दराज से आकर लोग यहाँ पर भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं और अपनी मुरादे मांगते हैं। शाहजहांपुर जनपद कलान तहसील विद्युत उपकेंद्र की मनमानी के चलते पैरौर क्षेत्र के कई गांवों के किसान लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। लो वोल्टेज के चलते किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण किसानों ने कई बार विद्युत उपकेंद्र कलान पर धरना प्रदर्शन कर विद्युत सप्लाई की मांग की है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रहे।
किसानों ने बताया कि लो वोल्टेज के चलते वो अपने खेतों की सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं, खेत में लगे मोटर पंप भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके चलते खेतों में लगी जो फसल है वो सूख रही है। फसल की सिंचाई ना होने से किसान काफी ज्यादा परेशान इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त होने से किसानों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। खेतों में सिंचाई करने के लिए बोर तक नहीं चल पा रहा है, जिससे धान सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वादा खिलाफी कहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों पर भारी न पड़ जाए। आगरा के करहई मोड़ इलाके में मित्रपुरम महादेव नगर में जनप्रतिनिधियों के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। बता दें कि विधायक और मंत्री जीएस धर्मेश, केंद्रीय मंत्री और सांसद एसपी सिंह बघेल और मेयर आगरा नवीन जैन के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही साल 2022 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया गया है। जनता का कहना है कि सरकार वह वादा करती है और उसे वह पूरा नहीं कर पाती। जल भराव, सीवर समस्या और टूटी सड़कों को लेकर कोई सुनवाई न होने पर जनता ने कार्यकर्ताओं के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं। ये इसलिए लगाया है क्योंकि देखिए आप देख रहे हो सड़क की हालत, देख रहे हो पूरी की नालियों की हालत देखो, कि जब पानी पड़ता है ना तो पूरा प्लॉट तक भर जाते हैं। घरों में अंदर पानी चला जाते हैं, पूरा घर भर जाता है पानी से। तो इसलिए ये लोग तो वोट लेके चले जाते हैं, पर इनका कोई चुनाव का कोई फायदा थोड़ी हमें वोट देने से। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम वोट क्यों देंगे? जनता क्यों चुनती है कार्यकर्ता को? इसलिए चुनती है कि जिससे हमारा रोड सही हो, नालियाँ बनाई जाएँ और थोड़ा कॉलोनी का देखभाल कराए। नगर पालिका के अंदर आती है कॉलोनी, फिर भी कोई सुधार नहीं है। जिस दिन पानी पड़ेगा ना, आप अगर आओगे तो ये पूरी कॉलोनी फुल मिलेगी आपको। आपका पानी ना पैर तक ये मोटर तक निकल जाएगा, आपको निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी पूरी बंद हो जाती है सब लोग। श्रावण मास का चौथा और अंतिम सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें देखने को मिली है। इसी के साथ ही शहर में रक्षाबंधन की तैयारियां भी शुरू हो गई है। लखनऊ के सबसे बड़े सिद्धपीठ मन कामेश्वर मंदिर में जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार देखने को मिली है, वहीं दूसरी ओर रुद्राभिषेक भी हो रहा है। बता दें कि सावन मास की शुरुआत 25 जुलाई को हुई थी। सावन के सोमवार का महत्व बहुत अधिक होता है। 22 अगस्त को सावन का माह समाप्त हो जाएगा। वहीं लखनऊ के हर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। देखा जाए तो काफी लोग भक्त लोग हमारे आ रहे हैं और हमेशा हर सावन में आते भी सोमवार को। इस साल काफी भीड़ है, काफी सुविधाएं हैं। आज भंडारा भी बाबा का रखा गया है, विशाल भंडारा है जो सभी भक्त लोग सहयोग करते हैं भंडारा में हर साल। इस साल भी सहयोग किए, इस साल भंडारा रखा गया है और भोले बाबा कृपा से बढ़िया सहयोग होता है। हर साल इससे सुविधा अच्छी होती है, बढ़िया। भक्त लोग हमारे मास्क लगा के आ रहे हैं और दूरी बना के रख रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं सभी लोग, आप सब देख ही रहे हैं। सावन का लास्ट सोमवार है, भक्तजनों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। भक्तजन जितना भी दान मंदिरों में कर सके उसके लिए वो कुछ भी भंडारा कर सके। हम लोग आज मिलके एक भंडारा करवा रहे हैं जिसमें हम लोग सबका योगदान है और ये भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में दिया जाए। तो आज अंतिम सोमवार में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लखनऊ से इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मंदिरों में इस वक्त श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और महादेव के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के सबसे बड़े मंदिर सिद्धिपीठ मन कामेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें इस वक्त सीधे हम आपको सिद्धिपीठ मन कामेश्वर मंदिर से दिखा रहे हैं जहाँ पर आप भक्तों की भीड़ को साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज सावन का अंतिम सोमवार है, जिसके चलते श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सभी अपने महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं और उनसे मनोकामनाएं मांग रहे हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे लखनऊ संवाददाता शमशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शमशाद, जिस तरीके से आज सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में मंदिरों की क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? सावन का आज आखिरी सोमवार है, वो पूरी तरीके से जो है पूजा पाठ में लगे हुए हैं और आज जो है कई जगह पे भंडारा जो है वो कराया जा रहा है। फिर खोल के जो है वो दान कर रहे हैं और भोलेनाथ की पूजा करके उनसे जो है पूरे देशवासियों की लिए जो जिस तरीके से कोरोना की महामारी है उसकी जो है कामना कर रहे हैं और उसकी जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरी तरीके से वो यहाँ से कोरोना जैसी महामारी पूरी तरीके से हट जाए। काफी भीड़ देखने को मिल रही है, मगर आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है पूरी तरीके से।
तो जिस तरह से आज आखिरी सोमवार है, ऐसे में मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जिस तरह से आज आखिरी सोमवार है, ऐसे में श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचने की संभावना जताई जाती है, तो मंदिर प्रशासन इस वक्त क्या कुछ तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है? पूरी तरीके से तैयारी मंदिर में हो चुकी है और कई मंदिरों में जो है आज भंडारा भी कराया जा रहा है और साफ सफाई भी पूरी तरीके से जो है की गई है मंदिरों में। और आपको बता दें कि 2 से 3 लोगों की भी एंट्री जो है पूरा करने के लिए मंदिर में हो रही है और मास्क जो है वो जो आ रहे हैं उनके लिए मास्क भी जरूरी है। जो मंदिर के पुजारी हैं उनका साफ कहना है कि गाइडलाइन का पालन जरूर करेंगे, अगर आपको दिक्कत करती है तो आप दो करके 3 करके आइए, मगर मास्क जो है वो बहुत जरूरी है। पूरी तरीके से जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रही है बस तो आ रहे हैं उसका पाठ करने के लिए। आप देख सकते हैं एकदम कोई उसमें रोक टोक नहीं है, मगर आप मास्क जरूरी है। तो शमशाद, जिस तरह से इस वक्त हम श्रद्धालुओं की अगर बात कर ले तो अंतिम सोमवार है आज सावन का, ऐसे में श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा होगा। तो इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप मंदिर में पहुंचे हुए हैं जहां पर आप लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, तो लोगों का क्या कुछ रुझान आज के दिन को लेकर देखने को मिल रहा है? आपको बता दें कि हमने लोगों से बात किया, जो लोग आए हुए थे उनसे भी बात किया, उनका साफ यही कहना है कि इस तरीके से पूरे सावन जो है हम लोगों ने पूजा पाठ क्योंकि जो पूरा सावन जो होता है वो पूजा पाठ का दिन होता है और इसी तरीके से जो है पूजा पाठ करा है और सावन में जो है जो भी मुरादे हैं जो भी प्रार्थना है उन्होंने मांगी है वो आज सोमवार जो है लास्ट सोमवार है सावन का, काफी बड़ा जो है दिन होता है सावन का, तो उसको देखते हुए जो है उन्होंने ये भी कहा कि आज जो है जितना हो सकेगा उतना हम दान करेंगे जो गरीब है उनके लिए भी और भंडारे का भी पूरा गया है, तो भंडारे में भी पूरी तरीके से दान जितना हो सके पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं जहां पर सावन के अंतिम सोमवार के चलते शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 22 अगस्त को सावन माह का अंत हो जाएगा, जिसके चलते आज सावन के अंतिम सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है, जहाँ पर सभी शिव भक्त मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां पर सावन के अंतिम सोमवार के चलते शिव मंदिरों में खासा जोश इस वक्त भक्तों के बीच देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सावन मास की शुरुआत 25 जुलाई को हुई थी, जिसके बाद से सभी शिवालयों में खासी भीड़ शिव भक्तों की देखने को मिल रही थी। 4 सोमवार हो चुके हैं पूरे, जिसके बाद आज अंतिम सोमवार है, इसी के चलते आज काफी बड़ी संख्या में भक्तों का तांता इस वक्त मंदिर में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही काफी लंबी लंबी कतारें शिवालयों में भगवान के दर्शन करने के लिए देखने को मिली। आपको बता दें कि सावन के सोमवार का इस वक्त काफी महत्व बताया जाता है, जिसके चलते आज के दिन खासा जोश भक्तों में देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।